So now in today, in lecture 13, we will discuss protective action of lipophilic colloid, that is gold number. Clear? Protective action of lipophilic colloids. Gold number. Very important definition, but mind it, this is not included in CBSE board. Clear? Board ke syllabus mein nahi hai ye, to board ke liye nahi karna hai, entrance ke liye important hai. Kafi questions aaye hain iske entrance mein. Protective action of lipophilic colloids, gold number. Definition agar direct padhe तो टफ लगेगी जैसे डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स व्हिच इज टू बी एडेड टू 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% एनएसएल इज एडेड टू इट. अब इसको समझाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा. बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है. जैसे अगर हम सपोज यहां ले लिया हमने 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल. क्लियर? वी हैव टेकन से 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल. गोल्ड सोल क्या होती है? लायोफोबिक. ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, लायोफोबिक. गोल्ड सोल हियर इज लायोफोबिक इन नेचर. क्लियर? लायोफोबिक है तो जैसे ही हम इसके अंदर 1 मिलीलीटर ऑफ 10% एनएसीएल डालेंगे, ये ऑलरेडी लायोफोबिक सोल्स ऑलरेडी अनस्टेबल होती हैं, ज़्यादा हाइड्रेट होती नहीं है तो अपने आप ही कोगुलेट कर सकती हैं. हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो क्या होगा? कोगुलेशन. कोलाइडल सोल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो क्या होता है? कोगुलेशन होता है. तो जैसे ही हम इसके अंदर 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl डालेंगे, 10% जो NaCl है ये वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है. वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम दोनों हो सकते हैं. जैसे ही हम इसके अंदर 1 मिलीलीटर 10% NaCl डालेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कोलाइडल सोल के अंदर, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? इसका प्रेसिपिटेशन, ये नीचे जाके सारा इकट्ठा हो जाएगा इसे. नाउ टू प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन. क्लियर? नाउ टू प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन हम इसके अंदर डालते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम्स के अंदर. हम क्या डालते हैं इसके अंदर? प्रोटेक्टिव कोलाइड पीसी मिलीग्राम. प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम. और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है? लायोफिलिक कोलाइड. लायोफिलिक कोलाइड. प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या? लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम चलते हैं. अब इससे इसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, अब ये कोगुलेट नहीं करेगा. अब डेफिनेशन बोलेंगे तो इजी लगेगा. क्या बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स विच इज टू बी एडेड टू 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल सो डैट नो कोगुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर. इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए. बस यहाँ पे हमें याद रखना है कि जैसे हमने कोगुलेटिंग वैल्यू में मिली मोल्स याद रखा था, इसमें मिलीग्राम्स याद रखना है कि मिलीग्राम्स में जो यहाँ पे मिलीग्राम्स में होगा वो आंसर है. सपोज हमने यहाँ पे ले लिया से 0.1 मिलीग्राम्स लिया, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे हमने ले लिया सपोज प्रोटेक्टिव कोलाइड इज 0.25 ग्राम. क्लियर? 0.25 ग्राम हमने डाला प्रोटेक्टिव कोलाइड वन यहाँ पे, और गोल्ड सोल लिया हमने से 10 मिलीलीटर. देन क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द गोल्ड नंबर. 0.25 ग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला हमने 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल के अंदर बिफोर एडिंग दिस 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl. हमने ये ऐड किया तो बोलेगा गोल्ड नंबर क्या है. क्लियर? 0.25 ग्राम डाला है, आंसर किसमें होगा? मिलीग्राम में. 10 मिलीलीटर ये है ही, 10 मिलीलीटर कितना है? 0.25 ग्राम. तो मिलीग्राम कितना हुआ? 250 मिलीग्राम. क्लियर? दिस इज 250 मिलीग्राम. 250 मिलीग्राम. दिस इज 250 मिलीग्राम. 250 मिलीग्राम तो ये आंसर हो जाएगा 250 मिलीग्राम. सपोज यहाँ पे अभी इसी न्यूमेरिकल को ढंग से देखेंगे. अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सपोज अभी लिया 10 मिलीलीटर तो इसे डायरेक्ट आंसर आ गया 250 मिलीग्राम. अगर ये 100 मिलीलीटर होता, क्लियर? से इट इज 100 मिलीलीटर. अगर ये 100 मिलीलीटर होता तो एक तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा. 100 मिलीलीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 मिलीलीटर ऑफ 10%. ये ध्यान रखना चीज का. 100 के लिए कितना हो जाएगा? 10. ये अपने आप एडजस्ट करेगा, न्यूमेरिकल में कभी भी नहीं आएगा ये. इसको हमें देखना ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. ये 10 मीटर ऑफ 10% हो जाएगा. क्लियर? तो अब इसके लिए 100 मीटर है, हमने 0.25 ग्राम डाला. 100 के लिए 0.25 ग्राम तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 0.025 ग्राम. 10 के लिए कितना हो जाएगा? 0.025 ग्राम. तब आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा गोल्ड नंबर. क्लियर हुई बात की नहीं है? बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, मिलीग्राम में आंसर निकालना है. 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल होना चाहिए.
100 मिलीलीटर कितना रहा, 0.25 ग्राम, 100 के लिए 0.25 ग्राम, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 के लिए कितना हो जाएगा 0.025 ग्राम, 0.025 ग्राम मीन्स 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम। और इसको भी चाहें तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका गोल्ड नंबर का, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका गोल्ड नंबर, मिलीग्राम्स ऑफ लाइफिलिक कोलाइड, मिलीग्राम्स ऑफ लाइफिलिक कोलाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल इनटू 10, क्योंकि 10 मिलीलीटर लेना है इसके लिए, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला भी बन सकता है यहाँ पे। सपोज मैं क्वेश्चन देता हूँ इसमें, से वी आर एडिंग 0.2 ग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, कोलॉइड 0.2 ग्राम ऑफ कोलॉइड इज एडेड टू 20 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल बिफोर एडिंग 1 मिलीलीटर, 1 लीटर नहीं आएगा यहाँ पे, अब कितना मिलीलीटर आ जाएगा, 10 मिलीटर, 20 मिलीलीटर के कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर था तो 2 मिलीलीटर ऑफ 10% हो जाएगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे कितना था, 10 का हमने 100 किया, 100 का तो 1 का क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो हमने 10 का 20 किया तो 1 का कितना बन जाएगा, 2%, 2 मिलीलीटर हो जाएगा 10%। तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका कभी पूछेंगे नहीं उस चीज़ को, उसको चेंज नहीं करना है। 0.2 ग्राम ऑफ कोलाइड इज एडेड टू 20 मिलीलीटर गोल्ड सोल, कैलकुलेट इट्स गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होगा इसका, तो गोल्ड नंबर डायरेक्ट तो निकल जाएगा, सॉल्यूशन क्या है इसका, गोल्ड नंबर इसका डायरेक्ट निकल जाएगा 20 मिलीलीटर के लिए 0.2 ग्राम, 20 मिलीलीटर के लिए 0.2 ग्राम, तो 10 मिलीलीटर के लिए कितना हो जाएगा ये 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम मीन्स 0.1 ग्राम मतलब 100 मिलीग्राम, 0.1 ग्राम हो गया, तो 100 मिलीग्राम मीन्स 100 आंसर है इसका। और डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है, डायरेक्ट मिलीग्राम्स ऑफ लाइफिलिक कोलाइड कितना है, फॉर्मूला लगाएंगे, मिलीग्राम कितना है इसका, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, लाइफिलिक कोलाइड कितना है वो हमें क्या कहते हैं, लाइफिलिक कोलाइड हमें दे रखा है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, मिलीग्राम में कितना होगा, 200, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 20 मिलीलीटर इंटू 10, तो 20 10 ये आ जाएगा, 20 10 into 10 100 आ जाएगा, तो 100 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इससे, फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मेरिकल्स आने हैं इसके, गोल्ड नंबर के इजी टॉपिक है, इसको कर लेना, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, ये आ जाएगा इससे गोल्ड नंबर। नेक्स्ट इसी के अंदर गोल्ड नंबर जो है इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गोल्ड नंबर जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका और डेफिनेशन को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे लाइफिलिक कोलाइड था 10 मिलीलीटर, ये गोल्ड सोल है, ये क्या है, गोल्ड सोल, ये गोल्ड सोल है, इस पे लाइफिलिक कोलाइड लगा दिया हमने मिलीग्राम पे, लाइफिलिक कोलाइड लगा दिया, ये अंदर क्या है, गोल्ड सोल, और ये क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड यहाँ पे जैसे जिलेटिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, और ज़्यादातर हम क्या लेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड, जिलेटिन, जिलेटिन लेते हैं, जिलेटिन, जिलेटिन की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे अच्छी होती है, क्यों प्रोटेक्टिंग पावर अच्छी, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज लीस्ट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, इज लीस्ट, सो इट्स प्रोटेक्टिंग पावर इज वेरी मच, सो इट्स प्रोटेक्टिंग पावर इज वेरी हाई, वेरी हाई, ये ध्यान रखना है, जिलेटिन जो है इसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर लीस्ट है। रीजन क्या है, गोल्ड नंबर लीस्ट होने का मतलब है कि हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, जिलेटिन को हम थोड़ा सा ही अप्लाई कर रहे हैं गोल्ड सोल के ऊपर, और उससे भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है,
गोल्ड नंबर कम है, गोल्ड नंबर मतलब मिलीग्राम्स कम है, कम है फिर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मींस इसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, प्रोटेक्टिंग पावर क्या है इसकी सबसे ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है, इसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या है सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। गोल्ड, ये गोल्ड सोल था, गोल्ड सोल के ऊपर हमने प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दिया। ऐसे ही दूसरा गोल्ड, गोल्ड का आइटम है ये, और इसे प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दिया। अब ये दोनों जब हम 1 मिलीलीटर 10% NaCl डालेंगे तो ये दोनों कंबाइन नहीं कर सकते, ये दोनों कंबाइन नहीं कर सकते। और किसकी वजह से कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, इधर प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। तो दिस इज एडेड इन मिलीग्राम्स टू 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट। तो ये डेफिनेशन है इसकी, और एक न्यूमेरिकल किया है। गोल्ड नंबर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोटेक्टिंग पावर के, गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस सिंपल देखना है जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, ये ध्यान रखना। और जिलेटिन का एग्जांपल याद रखना, जिलेटिन का गोल्ड नंबर कम होता है काफ़ी, 0.005 आई थिंक। तो ये इसका गोल्ड नंबर कम है, इसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी सबसे ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स बता दिया कैसे करना है, सिर्फ मिलीग्राम से निकलना, मिलीग्राम से आंसर निकलना है, और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी करते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन ये। तो दिस वॉज गोल्ड नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शन, इमल्शन डेफिनेशन हम इसकी पहले ही पढ़ चुके हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज इमल्शन, जिसमें लिक्विड ही डिस्पर्ज फेज हो और लिक्विड ही क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम, उसे इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड डिस्पर्ज फेज है और लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इमल्शन, इसको बोलेंगे इमल्शन, ये इमल्शन है। अब जैसे बात करें इसके अंदर इमल्शन, स्टेबल इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड कैसे बनेगा, इमल्शन जो है दो टाइप्स का है, एक ऑयल इन वाटर, दूसरा वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर यानी वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है, और वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर है तो इसका एग्जांपल आ गया मिल्क, मिल्क हो गया, डेटॉल हो गया, ये क्या है ऑयल इन वाटर टाइप। वाटर इन ऑयल यानी ऑयल एक्सेस में, तो एग्जांपल कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, तो ये ऑयल एक्सेस में होगा। तो ये एग्जांपल है ऑयल इन वाटर का, मिल्क हो गया, डेटॉल हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल। अब इमल्शन बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए इमल्सीफायर होता है, इमल्सीफायर, इमल्सीफायर, जैसे अगर ऑयल और वाटर को हमें मिक्स करना है, ये वाटर, इसके ऊपर ऑयल, ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ऑयल और वाटर को मिक्स करना है तो मिक्स तो होंगे नहीं, ये ऑयल ऊपर एक सेपरेट लेयर बना देगा। तो मिक्स करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं सोप, ये पहले थोड़ा सा हिंट दिया हुआ मैंने, सोप डालेंगे। सोप के अंदर RCOO नेगेटिव एन ए प्लस, सोप के अंदर दो पार्ट है, आर पार्ट क्या है हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग, और COO नेगेटिव पार्ट, COO नेगेटिव पार्ट इट इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। तो जो आर पार्ट है वो यहाँ जाएगा इसके अंदर, और COO नेगेटिव पार्ट इसके अंदर जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। आर पार्ट ऑयल में गया, CO नेगेटिव पार्ट वाटर के अंदर गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। लाइक दिस सोप हेल्प्स टू फॉर्म स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर, एंड सोप हेयर इज एक्टिंग एज एन इमल्सीफायर। सोप यहाँ पे किस काम कर रहा है, इमल्सीफायर का। तो इमल्सीफायर जैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाई जिलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम्स, जिलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम्स, जिलेटिन एक्ट्स एज इमल्सीफायर इन आइसक्रीम। याद रखना है, जिलेटिन इट एक्ट्स एज इमल्सीफायर इन आइसक्रीम, दैट्स व्हाई इट इज एडेड टू आइसक्रीम्स जिलेटिन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रोल ऑफ सोप एज एन इमल्सीफायर, रोल ऑफ सोप एज एन इमल्सीफायर। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अब हाउ टू चेक द टाइप ऑफ इमल्शन, हाउ टू चेक द टाइप ऑफ इमल्शन, टेस्ट फॉर इमल्शन, टेस्ट फॉर इमल्शन। तो पहला इसमें है माइक्रोस्कोपिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड हाउ टू चेक द टाइप ऑफ इमल्शन। फर्स्ट इसमें क्या है माइक्रोस्कोपिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी गिवन इमल्शन है उसके अंदर एक्सेस में डाल दिया हमने
वाटर, अगर एक्सेस वाटर ऐड किया इमल्शन में, हमने क्या ऐड कर दिया, इमल्शन में हमने ऐड कर दिया एक्सेस ऑफ वाटर, और अगर वाटर प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, इमल्शन प्लस एक्सेस ऑफ वाटर, इफ इट मिक्सिस प्रॉपरली, मिक्सिस प्रॉपरली दैट मीन्स वाटर वॉज इन एक्सेस इन इन द इमल्शन, हेंस इट इज ऑयल इन वाटर टाइप. मिक्सिस तो ऑयल, ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप. इमल्शन में, गिवन इमल्शन के अंदर एक्सेस में वाटर ऐड किया, इफ इट मिक्सिस प्रॉपरली एंड इज नॉट फॉर्मिंग एनी लेयर, देन इट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन. और अगर वाटर एक सेपरेट लेयर बनाता है, डेट मीन्स वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है. सबसे सिंपल मेथड है ऑयल इन वाटर, एक्सेस में पानी डाल दिया, अगर वाटर प्रॉपर मिक्स हो गया है तो ऑयल इन वाटर टाइप है, नहीं तो वाटर इन ऑयल टाइप है. नेक्स्ट मेथड इज कंडक्टेंस मेथड. कंडक्टेंस मेथड तो इसमें क्या है, गिवन इमल्शन में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से NaCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, और अगर इसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, अगर इसका कंडक्टेंस जो है बढ़ गया, इफ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, डैट मीन्स वाटर इस इमल्शन में एक्सेस में था, तो वो ऑयल इन वाटर टाइप हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर. और अगर कंडक्टेंस में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, डैट मीन्स इट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन. क्योंकि पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते ही क्या, वो टूट जाएगा. जैसे NaCl डाला पानी के अंदर, टूट जाएगा Na+ प्लस Cl नेगेटिव आयंस में. वो कब होगा, जब इमल्शन के अंदर वाटर एक्सेस में है. क्लियर हो गया कि नहीं. इमल्शन प्लस इलेक्ट्रोलाइट गिव्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस डेट मीन्स इसके अंदर वाटर एक्सेस में था, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ गया है. तो ये ऑयल इन वाटर टाइप है. इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंडक्टेंस, देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप. ऑयल टाइप. थर्ड मेथड इज डाई मेथड. थर्ड मेथड टू चेक द इमल्शन, डाई मेथड. इसमें ऑयल सोल्युबल डाई इज एडेड टू द इमल्शन. ऑयल सोल्युबल डाई इज एडेड टू द गिवन इमल्शन इफ द इमल्शन गेट्स कलर्ड. तो इसका मतलब ऑयल एक्सेस में था तभी तो इमल्शन कलर्ड हो गया, क्योंकि ऑयल सोल्युबल डाई है, यानी डाई जो है ऑयल में सॉल्युबल है, और डाई का काम क्या होता है, कलर देना. इमल्शन अगर कलर्ड हो जाता है, डैट मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप है. तो ये तीन मेथड से, माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड, डाई मेथड, टू चेक द टाइप ऑफ इमल्शन. नेक्स्ट इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. इमल्शन क्या है, कोलाइडेंसोल है. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन, प्रॉपर्टीज में कोई खास नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कोलाइडेंसोल की. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन, प्रॉपर्टीज में ये सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा जो कोलाइडल पार्टिकल शो करते थे. बिकॉज इमल्शन क्या, कोलाइडल पार्टिकल्स ही हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स का सोल है. तो इसमें ये क्या शो करेगा, ब्राउनियन मोशन जो हमने पढ़ लिया, जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. टिंडल इफेक्ट शो करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स. कोएगुलेशन होगा इसके अंदर ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. Coagulation on addition of electrolytes, then electrophoresis होगा इसके अंदर. क्लियर, electrophoresis. तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये शो करेगा जो कोलाइडल पार्टिकल्स शो करते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. क्लियर. नाउ डीमल्सिफिकेशन, नेक्स्ट टर्म इज डीमल्सिफिकेशन. डीमल्सिफिकेशन, व्हाट डू मीन बाय डीमल्सिफिकेशन. अगर डी वर्ड आ गया डीमल्सिफिकेशन, NCERT में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है. डीमल्सिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन इमल्शन. क्लियर, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन इमल्शन इज कॉल्ड एज डीमल्सिफिकेशन. DE मीन्स रिमूवल मीन्स सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन इमल्शन, यानी ऑयल और वाटर को अलग करना. इस मेथड को क्या बोलेंगे, डीमल्सिफिकेशन. और दो डीमल्सिफायर्स, बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. और एक जैसे हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगिंग सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. नो डाउन, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेंट्रीफ्यूगिंग. क्लियर.
तो ये डिमल्सिफिकेशन कर लेंगे यहाँ पे। डिमल्सिफिकेशन में क्या बताया, क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एन इमल्शन, और दूसरा दो डिमल्सिफायर्स कौन से हैं, टू डिमल्सिफायर्स मेथड्स कह लो या डिमल्सिफायर्स कह लो। फर्स्ट मेथड इज बाय हीटिंग और कूलिंग, बाय हीटिंग और कूलिंग, एंड सेकंड मेथड इज सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग मींस सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेकंड जो मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगिंग, FUGING, सेंट्रीफ्यूगिंग सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो ये डिमल्सिफिकेशन है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे एप्लीकेशन, क्लियर, एंड एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन एंड कोलॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन एंड कोलॉइड्स एप्लीकेशन। ऑफ इमल्शन एंड कोलॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन एंड कोलॉइड्स इमल्शन के अंदर, इमल्शन की एप्लीकेशन क्या है, जैसे डेटॉल है, ये एक इमल्शन है, डेटॉल क्या है, इमल्शन। नेक्स्ट मिल्क विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर डाइट इज ऑल्सो एन इमल्शन, क्लियर। डेटॉल एंटीसेप्टिक है, ये इमल्शन है। मिल्क इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर डाइट इज ऑल्सो एन इमल्शन। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में ऑयल का इमल्शन बनेगा वाटर के साथ, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर। इसके अंदर भी ऑयल का, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन चैप्टर में, ऑयल का इमल्शन बनेगा, पाइन ऑयल का इमल्शन बनेगा वाटर के साथ। नेक्स्ट और डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन ऑफ फैट्स। Digestion of fats in the small intestine takes place by the process of emulsification. Then we have studied action of soap, cleansing action of soap is also due to micelle formation and emulsification. Cleansing action of soap is also due to micelle formation and emulsification. ये भी important question था NCERT का। तो इस तरह से ये emulsion के uses है, daily life में use होता है काफ़ी ज़्यादा। Next अब है कोलाइड्स के यूजेस क्या, इन जनरल कोलाइड्स के यूजेस क्या हैं, इन जनरल कोलाइड्स के यूजेस क्या हैं, कोलाइड्स कोलाइड्स के यूजेस ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलाइड्स के यूजेस इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या यूजेस हैं इसके, मेडिसिन के अंदर जैसे बात करें सिल्वर सोल, जिसको हम एरग्रल भी कहते हैं, सिल्वर सोल, एरग्रल, ARYG एरग्रल, क्लियर। ये आई लोशन का काम करता है, सिल्वर सोल एक्ट्स एज आई, इट इज यूज एज आई लोशन, क्लियर, आई के लिए लोशन का काम करता है सिल्वर सोल। नेक्स्ट गोल्ड सोल, गोल्ड सोल ये इंट्रा मस्कुलर, गोल्ड सोल क्या है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में, क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ इट्स इजी एसिमिलेशन विद द ब्लड, इजी एसिमिलेशन, इजी एसिमिलेशन विद ब्लड एंड ग्रेटर सरफेस एरिया, इजी एसिमिलेशन विद ब्लड एंड ग्रेटर सरफेस एरिया, इसलिए ये यूज होता है गोल्ड सोल इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के अंदर। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार बोर्ड में, व्हाई गोल्ड सोल इज यूज इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स इजी एसिमिलेशन विद ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो भी कोलाइडल सोल है, और गोल्ड सोल क्या है, कोलाइडल सोल है, तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ ग्रेटर सरफेस एरिया की वजह से। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, इसको यूज करते हैं हम एंटासिड की तरह, क्लियर, इट इज यूज एज एन एंटासिड, ये भी कोलाइडल सोल है, इट इज़ यूज एज एन एंटासिड। और बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, ताकि वो आसानी से मिक्स हो सके ब्लड के साथ, क्लियर। देर आर लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स विच आर यूज इन कोलाइडल फॉर्म, सो डैट दे कैन बी इजिली एसिमिलेटेड विद द ब्लड, ब्लड कोलाइडल मेडिसिन कोलाइडल, तो फिर मिक्स होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वजह से। तो ये सारी मेडिसिन के अंदर यूजेज हैं। इसके अलावा कोलाइडल एंटीमनी, कोलाइडल एंटीमनी, कोलाइडल एंटीमनी इज यूज टू ट्रीट कालाजर, टू ट्रीट कालाजर, कालाजर एक क्रॉनिक डिसीज है,
काला जीरा क्या है, एक क्रॉनिक डिसीज, तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, कोलाइडल एंटीबॉडीज यूज टू ट्रीट काला जीरा विच इज ए क्रॉनिक डिसीज, सो दीज आर यूजेज ऑफ कोलाइड्स इन मेडिसिन, यूजेज ऑफ कोलाइड्स इन मेडिसिन। नाउ इन फूड आर्टिकल्स, इन फूड आर्टिकल्स ऑल्सो, इन मेडिसिन है ये। नेक्स्ट इन फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स जो डेली लाइफ में हम लेते हैं, जैसे चीज हो गया, फूड आर्टिकल्स जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज हो गया, जलीज हो गया, ये सब क्या है कोलाइडल फॉर्म में, हलवा हो गया, ये क्या है कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। जूसेस हो गए, फ्रूट के जूसेस हो गए, ये सब क्या है फूड आर्टिकल्स, तो ये भी क्या है कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, तो ये फूड आर्टिकल्स में आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट यूज फॉग, मिस्ट एंड रेन, फॉग फॉग होता है, फॉग और मिस्ट, फॉग और मिस्ट, ये क्या है, ये भी कोलाइडल फॉर्म में होता है। कैसे, विंटर में जब टेम्परेचर लो होता है नाइट के अंदर, विंटर में जब टेम्परेचर लो होगा नाइट में, तो मॉइस्चर जो है एयर का वो क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, और फिर जब नीचे गिरेगा तो कहाँ पे बैठ जाएगा, लीव्स ऑफ ट्रीज पे या डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, और हमें मॉर्निंग में फॉग के फॉर्म में दिखेगा जो कि कोलाइडल रेंज में लाई करता है। क्लियर, इन विंटर एट नाइट मॉइस्चर ऑफ द एयर कंडेंसेस, इन विंटर एट नाइट मॉइस्चर ऑफ द एयर कंडेंसेस एंड सेटल डाउन ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज और ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज सीन इन द मॉर्निंग इन द फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट एंड दिस लाइज इन द कोलाइडल रेंज। तो यही सिंपल चीज है, फॉग और मिस्ट, विंटर में नाइट में मॉइस्चर ऑफ द एयर कंडेंसेस एंड इज कंडेंसेस एंड सेटल डाउन ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड इज सीन इन द मॉर्निंग इन द फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट, और ये कोलाइडल रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, रेन, रेन का कॉज, रेन किसका कॉज क्या है, क्लियर, रेन, रेन नेचुरल रेन का कॉज क्या है, नेचुरल रेन, व्हेन ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड स्ट्राइक, क्लियर, व्हेन ऑपोजिटली चार्ज जो क्लाउड स्ट्राइक करेंगे, क्लियर, ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स, एक पॉजिटिव क्लाउड एक नेगेटिव क्लाउड, जब दोनों स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइक, तो क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और टाइनी ड्रॉप्स जो क्लाउड्स के अंदर हैं दे कैन नॉट बी हेल्ड बाय द क्लाउड्स, और वो कंबाइन करके कोगुलेट कर जाएंगे और क्लाउड्स अब उनको संभाल नहीं पाएगा, और अल्टीमेटली वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। क्लियर, अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में आ जाएगा, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स जब स्ट्राइक करेंगे तो टाइनी ड्रॉप्स प्रेजेंट इन देम कोगुलेट टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स विच कैन नॉट बी हेल्ड बाय द क्लाउड्स एंड अल्टीमेटली फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो दिस इज द कॉज ऑफ रेन, दिस इज द कॉज मेन, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रेन। क्लियर, फिर आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन इसमें क्या करते हैं, हम एरोप्लेन्स वगैरह के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको स्प्रे करते हैं क्लाउड्स में, जिसकी वजह से टाइनी ड्रॉप कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बनाएंगे, कोगुलेट करके बिगर ड्रॉप बनाएंगे, और बादल उसको संभाल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल रेन का कॉज है। क्लियर, दिस इज द कॉज ऑफ आर्टिफिशियल रेन। तो ऐसे क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट आर्टिफिशियल रेन को इसका कॉज माना गया, क्लाउड बर्स्ट बादल फटना, तो ये आसाम वगैरह में होता है, ये ज़्यादातर देखा गया कि क्लाउड बर्स्ट व्हेन देयर इज सडन प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रेन फॉल्स एट ए प्लेस, ज़्यादा अमाउंट में एक ही साथ पानी गिर जाएगा नीचे, जब सडन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा टाइनी ड्रॉप्स का क्लाउड्स के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस डेल्टा फॉर्मेशन एंड स्मोक प्रेसिपिटेशन, दो इसके मेन एप्लीकेशन रह गए, डेल्टा फॉर्मेशन और क्वेश्चन आता है इसका, डेल्टा फॉर्मेशन एंड स्मोक प्रेसिपिटेशन और क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज कैटालिसिस, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। लेकिन आप लोग घर पे अगर नहीं पढ़ेंगे, मैं अभी रात के 3:15 बज रहे हैं, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोग को प्रिपेयर कर रहा हूँ ये, तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, ये COVID-19 की वजह से जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल 11th का रिवाइज़ करना है, साथ में 12th का भी रिवाइज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, ये नहीं किया कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको बहुत ढंग से घर पर रिवाइज़ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल टाइम टेबल बनाना है और लेक्चर सारे पढ़ने ढंग से, तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस मेंटेन करना है PCM का।
और बायो वाले बच्चे बायो वाले का बैलेंस मेंटेन करेंगे. ओके थैंक्स.